क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसी दुनिया जहाँ सभी प्राणी उतने ही डेवलप्ड हैं जितने कि हम आज हैं। बस वहाँ पर इंसान नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी पर स्थित है नाग का अभियान। यहाँ सभी इच्छाधारी नाग नागिनी आदि निवास करते हैं। यहाँ पर जितने भी इच्छाधारी नाग रहते हैं वो सब नाग देवता को मानते हैं, यानी कि वो नाग देवता पर यकीन रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, माना जाता है कि इस पेड़ में नाग देवता निवास करते हैं और उन नाग देवता का नाम है नागोमी देव, जो कि मान्यताओं के हिसाब से इसी पेड़ में निवास करते हैं। इस कहानी पे कुछ इच्छाधारी नाग अपने एक सफर में निकलते हैं जिस पर ये पूरी कहानी स्थिर है और उसी पर बना है नागलोक। नागलोक में ही सभी इच्छाधारी नाग और नागिने निवास करते हैं, जिसे आप नाग का अभियान के नाम से देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया करे कहानी शुरू करते हैं। इतनी देर क्यों हो गई? यार माफ कर दे, कुछ करें? क्या करें? नाचे? अगर मैं नाचूंगा तो क्या होगा? यदि आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला दूं कि यही वो वाला पेड़ है जिसमें नाग देवता यानी कि नागोमी देव निवास करते हैं और ये पेड़ नागलोक के एकदम बीच में स्थित है।
इस समय में दरअसल नाग देवता क्रोधित हो गए। जिसने इतना ध्वनि प्रदूषण फैलाया है उसे सजा अवश्य मिलेगी। वो किसी न किसी तरह नागलोक छोड़कर बहुत समय के लिए यहाँ से बाहर जाएगा। मतलब कि मुफ्त में? मेरा वो मतलब नहीं था, अगर तुझे नहीं जाना।